हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट के बारे में। सबसे पहले बता दें तो रिजल्ट्स आउटस्टैंडिंग इन एवरी एस्पेक्ट, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ा है, नेट एनपीए ग्रॉस एनपीए भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है एंड ये बैंक अब भागने वाला है। सबसे पहले हम स्टैंडर्डलोन नंबर को देखेंगे। टोटल इनकम 5197 करोड़, लास्ट क्वार्टर में 4880 करोड़ थे, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 4839 करोड़ थे। टोटल एक्सपेंडिचर 4428 करोड़, लास्ट क्वार्टर में 4187 करोड़ थे, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 4199 करोड़ थे। यानी ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे जिस तरह से टोटल इनकम इंप्रूव हुआ है, एक्सपेंसेस का नंबर भी इंप्रूव हुआ है। अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स के नंबर को देखें, अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वह 377 करोड़, अगर हम लास्ट क्वार्टर के देखे हुए 270 करोड़, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 178 करोड़, एंड जो नेट प्रॉफिट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो भी आप कह लो 281 करोड़, लास्ट क्वार्टर में 151 करोड़, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 129 करोड़। यानी सीधे सीधे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 129 से 281 करोड़ का प्रॉफिट एंड 151 से 281 का प्रॉफिट। एज यू कैन इमेजिन कितना बढ़िया परफॉर्मेंस है। एंड अगर आप एनपीए के नंबर को देखोगे उसमें भी बहुत सुधार है। अगर हम नेट एनपीए ग्रॉस एनपीए को परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करें, सो ग्रॉस एनपीए 4.27% से 3.96% आया है एंड नेट एनपीए 2.09% से 1.74%। मैं हमेशा इस बैंक के ऊपर बुलिश था, लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट के बाद बैंक ने उतना परफॉर्मेंस नहीं दिया जितना परफॉर्मेंस देना चाहिए। 50 के ऊपर जाते ही ये स्टॉक वीक हो जाता है, बट अब ये स्टॉक रुकने नहीं वाला क्योंकि सबसे वैल्यू फॉर मनी स्टॉक है। क्योंकि अगर आप ओवरऑल रिजल्ट देखा जाए तो फेडरल बैंक ने अच्छा रिजल्ट दिया है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का रिजल्ट अच्छा है, इन स्टॉक ने भी अच्छा खासा रिजल्ट दिया है। सो जिन तीन बैंकों पर मैं सबसे ज्यादा बुलिश था उनके रिजल्ट अच्छे हैं। रिसेंटली RBL बैंक के ऊपर भी मैंने बोला था कि ये स्टॉक भी भागेगा। सो मुझे इन सारे बैंक के रिजल्ट बहुत अच्छे लगे क्योंकि एनपीए में सुधार है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा है। सो डेफिनेटली अगर बंधन बैंक भाग सकता है सो ये सारे बैंक भी रेडी टू फायर एंड ये स्टॉक वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक है एंड ये स्टॉक उतना चला भी नहीं है। अगर हम साइड बाई साइड इस पर्टिकुलर कंपनी के और रिजल्ट को भी डिटेल्स में देख ले, सो कंसोलिडेटेड नंबर कुछ इस प्रकार है। टोटल इनकम 5198 करोड़, लास्ट क्वार्टर में 4830 करोड़ थे, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 4839 करोड़। ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे टोटल इनकम इंप्रूव हुआ है। टोटल एक्सपेंडिचर 4415 करोड़ वर्सेस 4176 करोड़, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 4187 करोड़। इन क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेस पे एक्सपेंसेस भी इंप्रूव हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के नंबर को देखें 391 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर में 179 करोड़ थे, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 190 करोड़ थे। एंड जो नेट प्रॉफिट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो भी आप कह लो 290 करोड़ वर्सेस 110 करोड़, यानी 290 करोड़ इज अ वेरी बिग प्रॉफिट। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 137 करोड़ थी, यानी ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे अगर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट पे देखे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है। सो दैट इज अ बहुत ही ब्लास्टिंग परफॉर्मेंस, इतना बढ़िया परफॉर्मेंस किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो ओवरऑल एनपीए के लेवल में भी हम सुधार देख सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी में सुधार देख सकते हैं। सो ये बैंक भागने को तैयार है। अगर हम इस स्टॉक के बारे में और देखें 46.60 का क्लोजिंग, ऑल्दो 1.41% ऊपर चढ़ के बंद हुआ, बट ये स्टॉक का हाई लो देखो 40.75 इज द लो 52 वीक्स एंड 69.30 इज द 52 वीक्स हाई। ये स्टॉक मैंने हमेशा से रिकमेंड किया है, जब भी ये स्टॉक 45 के करीब आता है फिर से 50 की तरफ जाता है, 50 के ऊपर भी सस्टेन नहीं कर पाता। बट एट दैट मोमेंट अगर ये स्टॉक आपको 2-3-4% गैप आपके साथ भी मिले तब भी आपको स्टॉक को बाय करना है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। ये स्टॉक 60 की टारगेट के लिए आपको डेफिनेटली बाय करना है, आप इस स्टॉक को कोई नहीं रोक सकता। वीडियो इन्फॉर्मेशन लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।